have a second speaker, Maulana Zaheer Abbas Rizvi Sahab, and he is going to present his paper on celebration of life in Islam. And he is a very learned person in Islamic law and religion. He has his master's degree in commerce from Calcutta University. And he completed his religious studies from Sultana Madaras in Lucknow. And actually, he is General Secretary of Shia Council of India and Maharashtra. He is the National Secretary of all India Shia Personal Law Board. And also, he serves as the Secretary of All India Ulema's Council. He is the member of Board of Trustees of Shia Bibi Board at Lucknow and Chairman of National Integration and Peace Foundation. He has published a lot in the area of Islamic moral law and ethics, Islamic terrorism, status of women in Islam, and Islam, the religion of contentment, and so on and so forth. And he has delivered his lectures extensively across the globe, presented papers on socio-political issues in the States, USA, in Europe, in Africa, Pakistan, India, developed countries, and Far East countries. Now over to Maulana Zaheer Abbas Rizvi Sahab for celebration of life in Islam. His Excellencies, ladies and gentlemen, very good evening to you. It's really very delightful to be here with you. Nice papers on different subjects, discussions. So really very fruitful. If you allow me, so I will start from Quran, just one line. And I tell you one thing, because the majority of respected listeners are from here only, and they understand Hindi also. So you allow me to speak mixed language so you can enjoy the language also with the subject. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. The translation is, Allah has created human beings par excellence. इस सब्जेक्ट पर मेरा दिल ये चाहता था कि 15 मिनट नहीं मैं 50 मिनट से ज्यादा सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लाइफ ऑफ क्रिएटिव जिंदगी की इंपॉर्टेंस क्या है मैंने अभी आपके सामने जस्ट आई डिसाइडेड आई फॉर्म करना यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस यू आर अ फिलोसोफर ऑल्सो एंड लर्निंग माय होम ऑल्सो सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड अदर्स हु आर सिटिंग हियर एंड इंटरेस्टेड इन फिलोसफी नो अंडरस्टैंड दिस सर इन द होल यूनिवर्स He has created human being par excellence. It means nothing is equal to human being. इंसान के बराबर कोई चीज इस यूनिवर्स में स्कैन आउट नहीं है कभी आपने सोचा है तो वाइस ऐसा क्यों है इसलिए कि उसने इस यूनिवर्स में बहुत सी चीजों को पैदा किया है क्रिएट किया है तो भाई दिस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन लाइफ इंसानी को व्हाई नॉट टू एनिमल्स अदर क्रिएटर्स क्यों नहीं किया
अगर आप सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान की जिंदगी को ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंस जो दिया है उसका एक ही रीजन है, देयर इज ओनली वन रीजन फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। इवन एनिमल्स भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, जानवर भी सोता है, जानवर भी जब चाहता है उठता है और चलता है। सेम, देयर इज वन थिंग विच डिस्टिंग्विश दिस ह्यूमन बीइंग from the rest of the universe condition, and that is only one thing, that is the reason we call it Atman. Reason देने से उसने इस पूरे यूनिवर्स में इंसान को सुपीरियर बना दिया। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, this is all for human beings, ये सिर्फ इंसानों के लिए उसने दिया। और जब ह्यूमन बींग्स के लिए दिया, इंसान के लिए दिया है, तो इंसान की लाइफ, उसकी जिंदगी, उस क्रिएटर के नजदीक लाइफ ऑफ आवर क्रिएटर इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते हैं कि कितनी है। और जब इतनी कीमती चीज दे दी गई है, इतनी वैल्यूएबल चीज दी गई है, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारी जो जिंदगी है वो जिंदगी किस तरह से गुजरना चाहिए। क्या हम अपनी लाइफ में एक जानवर की तरह अपनी जिंदगी को गुजारें, या उसने जो हमको रीजन दिया है, जो अक्ल दी है हमको, उसका तकाजा कुछ और है। और वो तकाजा ये है कि आप अपने क्रिएटर को पहचानिए और एक लॉ है, कानून है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। और उसी सिस्टम का नाम रिलीजन है, रिमेंबर, उसी सिस्टम का नाम रिलीजन है कि जिस सिस्टम में हमें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को गुजारना है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंसान को, ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन गिवन दिस अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय अदर्स लाइफ। इसीलिए सेंटेंस कहा जाता है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, दूसरों को भी आप जीने का मौका दीजिए। इस्लाम के अंदर जो लॉज हैं, जो कवानी हैं, जो सिस्टम है, डिराइव फ्रॉम कुरान एंड द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। Dear brothers and sisters, मैं इस वक्त ऐसे जंक्शन ऑफ टाइम पर बात कर रहा हूं कि जब इंसान इंसान का खून बह रहा है, इंसान इंसान का मदद कर रहा है, नॉट ओनली स्क्रीन बल्कि वो इंसान की बॉडी पर खड़ा होके अपना कद देखता है कि कितना ऊंचा है। दुनिया तड़प रही है इसको, एवरी वन इज वरी हाउ टू सेव यू एवरी डे, यू आर गेटिंग हियर एंड देयर, यू हैव टू रिटर्न टू आवर रिलीजन, we have to return to our prophet's teaching. ke mazhab kya keh raha hai, dharm kya keh raha hai. Religion is a bread, like when you are driving a car and you see there is some pothole, you immediately apply the bread of your car on your motorbike to save
yourself from that pothole. You know, religion is same thing. Then, life will escape the religious wreck. Immediately invite that you apply to save yourself from the nature which wrecked your life. So Islam says you have to follow rules, you have to follow systems. That is why, because there is shortage of time, I cannot take it. There are more than adopted can be. That's why Quran says if you save one life, agar aapne ek zindagi bachayi, you save the entire human. Tumne saare insaan ki zindagi bachayi. Aur agar ek insaan ki zindagi le li tumne, if you killed one person, it means saari insaniyat ko tumne khatam kar diya hai. So this is the importance of life. That's why is father sare usool bane. I think mostly in Abraham clan and in Hindus also. Abortion is not allowed. You have no right to kill. For this. आपको किसी की जिंदगी के लेने का कोई राइट नहीं दिया गया है क्या उसने, इसलिए कि ना आप जिंदगी देते हो तो आपको जिंदगी लेने का कोई हक भी नहीं है इसका. जिंदगी के लिए there are so many things. We had a discussion here, doctors were speaking on that. Nowadays, different systems are there. Islam has allowed all these things. Let me tell you. Because this is a matter of jurisprudence. They call it fiqh. Jurisprudence is a system where problems are being solved with the help of Quran and the tradition of Prophet. Even because life is important. When life is important, then there is nothing matter about before us. Mare liye dusri koi cheez importance nahi rakhti hai, isliye life. But one thing I must tell you. Of course, children are God gift. बच्चे संतान ये भगवान देती हैं बात, लेकिन इस गिफ्ट का मिस यूज नहीं होना चाहिए. द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट रियलाइज दिस इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन गॉड इज गिफ्टिंग यू समथिंग, it should be used in a proper manner. I mean to say, when children are there, it's God gift, we must try to bring up in a nice atmosphere. So friends, these are the things. We must respect life. We must give chance to others to live peacefully. We have no right to disturb anyone but others' life. Enjoy life, let others enjoy their own life. Teach your children, make them a nice citizen, because God has created this world for human beings, everything.
qualified human being. So we must think it on this subject. It's a very, very important symposium, and a very, very important subject. This should not be the end. This should be carried on. Not here, some other places. God people, invite people. Let's keep our aim. We must learn to respect other life. Let these people and each, let them teach others how to live in this beautiful world which is created for us. Thank you very much.